नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या मामले में दो एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी जांच में टीमें जुटी हुई हैं। तीनों हत्यारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं अतीक की हत्या के बाद खड़े हुए सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आज एसआईटी ने सीन रिक्रिएशन करने की पुलिस तीनों शूटरों को लेकर घटनास्थल कॉल्विन अस्पताल में पहुंची। सीन रिक्रिएशन से पहले मौकाई वारदात पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कॉल्विन हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि आज अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों को कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया, जहां फिर से सीन को जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। वहां पर भारी सुरक्षा बल के लिए भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। बता दें कि माफिया अतीक और अशरफ के हत्यारों को आज फिर से कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनसे फिर वही क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया गया है। सुरक्षा बल के तहत वहां पर तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि घटनास्थल पर एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। तीनों आरोपियों को फिर से कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। तो वहीं पे बता दें कि अतीक और अशरफ के जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के बीच हत्या कर दी गई थी, आज उसको एक बार फिर से एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। कॉल्विन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, देखिए वहां पर आज एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी है इसको लेकर? पूर्वांचल के बड़े माफिया अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ को मेडिकल कराते समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसके बाद से लगातार प्रयागराज का जो माहौल है वो तमाम तरह की बातों और चर्चाओं से भरा पड़ा है। हालांकि एहतियातन प्रशासन द्वारा प्रयागराज जिले की इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी। ऐसे में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, और एसआईटी की टीम आज प्रयागराज पहुंची है और तीनों आरोपियों को लेकर उसी कॉल्विन अस्पताल में लेकर जाया गया है, जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। और अतीक और अशरफ को जिस स्थान पर गोली मारी गई थी, उस स्थान पर फिर से उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। ऐसे में जो एसआईटी की टीम है वो लगातार इस पे जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर अतीक और अशरफ को किस तरीके से गोली मारी गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उनके द्वारा ये जो टीमों का गठन किया है, ये लगातार अतीक और अशरफ के हत्यारों से पूछताछ कर रही है तथा अतीक और अशरफ की घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। ऐसे में कॉल्विन अस्पताल के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, जबकि मिली मीडिया कर्मियों के भी बैगों की तलाशी ली गई है। तो ऐसे में एसआईटी की टीम द्वारा अतीक और अशरफ हत्याकांड के केस का रिक्रिएशन किया जा रहा है। तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। हालांकि जो जांच पड़ताल है वो अभी तक जारी है, और ये जो तीनों आरोपी हैं वो पुलिस कस्टडी में है। अब उनसे किस तरीके से पूछताछ हो रही है या उन्हें किस तरीके की बातें उनके सामने से निकलेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जी नंदिनी, जिस तरीके से पवन क्राइम को रिक्रिएट किया गया है, तो क्या कुछ अहम सबूत मिले हैं? जी बिल्कुल, अभी अगर मौजूदा समय की बात करें तो एसआईटी की टीम लगातार वहां पर अभी जांच पड़ताल कर रही है। अतीक अशरफ के जिस घटना जिस स्थल पर उनको गोली मारी गई थी, उसमें उसी घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है, और तमाम वो तस्वीरें हैं
जो लोगों के जेहन में यह दिख रहा है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। हालांकि जो जांच पड़ताल का जो विषय है वो लगातार जारी है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से जांच पड़ताल की गई है या क्या तथ्य सामने आए हैं यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसआईटी की टीम की जो जांच है वो कहीं ना कहीं आरोपियों से राज उगलवाएगी और अतीक और अशरफ की हत्या के क्या राज है वो खोलेगी। तो आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया अतीक तथा उसके भाई अशरफ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है और ऐसे में तमाम पुलिस की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी नंदिनी, पवन देखिए इस हत्या में जिस तरीके से तीन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, वहीं पर हत्या में इन तीन आरोपियों के अलावा कई और लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल नंदनी, चूंकि जब अतीक और अशरफ को पुलिस ने कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांगा था और उनकी जब रिमांड मंजूर कर ली गई थी, ऐसे में अतीक और अशरफ को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही थी। उस दौर की जो बातें सामने आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि करीब 200 ऐसे सवाल है जो पुलिस अतीक और अशरफ से पूछ सकती है और तमाम ऐसे सवाल है जो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर खुलासा करते। तो इसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें तमाम ऐसे नाम है या तमाम ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के करीबी होने का तमाम ऐसे सबूत होते। हालांकि अब ये जो राज है ये अतीक और अशरफ की मौत के बाद ही दफन हो गया है, लेकिन अब ये जो तीन हत्यारे पकड़े गए हैं इसमें अतीक और अशरफ के हत्याकांड का खुलासा होगा कि आखिर ये जो तीनों हत्यारे हैं ये किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आने वाला जो वक्त है वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ के हत्यारों के लिए बड़ी खबर लेकर सामने आएगा और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से एसआईटी की टीम द्वारा यहाँ पर अतीक अशरफ के हत्याकांड का रिक्रिएशन किया जा रहा है, तो आने वाला जो वक्त है बड़े सबूतों को लेकर सामने आएगा और निश्चित रूप से यह दिलचस्प होगा कि आखिर ये तीनों हत्यारे किस तरीके से प्रयागराज आए हैं, किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, आखिर ये कहाँ से आए हैं, इनकी हत्या करने के पीछे का मकसद क्या है, या तमाम ऐसे कौन वो बड़े चेहरे हैं जो अतीक और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है। तो जो आने वाला वक्त है वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पवन, अतीक और अशरफ के हत्याकांड की बात करें तो वीडियो में जिस तरीके से सबने देखा था कि जब आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी तो पुलिस जो है वो पीछे हटते हुए नजर आ रही थी, क्या उसी तरह से आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अतीक और अशरफ को पुलिस के 17 पुलिसकर्मियों की टीम उनके सुरक्षा में रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी और जिस तरीके से अतीक और अशरफ को लाया गया था इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है वो कागल थाना अंतर्गत आता है और घटना के बाद से ही चार पुलिसकर्मियों को एसएचओ सहित चार पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की चूक थी वो सामने आई है। तो निश्चित रूप से जो जांच कमेटी है वो इस चीज को जरूर ध्यान देगी कि आखिर पुलिस कर्मियों की नाकामी किस तरीके से वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि जो तस्वीरें हम सभी ने देखी और पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से इन अपराधियों ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की और इनके जो रिवॉल्वर और पिस्टल चलाने के जो तरीके थे वो एकदम पेशेवर शूटरों के थे। तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस की एक बड़ी नाकामी भी देखने को मिली है। हालांकि जांच टीम लगातार इन सब मुद्दों पर भी जांच पड़ताल करेगी कि आखिर किस तरीके से चूक हुई, आखिर इसमें सबसे बड़ी कमी कहां पर देखने को मिली, क्या सुरक्षा में लगे जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी चूक है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा घटनाक्रम है और इस पर जब जांच कमेटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका पूरा रिपोर्ट भेजेगी और किस तरीके से जांच पड़ताल होगी ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प भी होगा। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। और अशरफ की हत्या का क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया गया था कॉलमिन अस्पताल के बाहर, वहां पर सुरक्षा कर्मी वहां पर तमाम मौजूद थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एक बार फिर से आरोपियों ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी उस सीन को रिक्रिएट किया गया है कॉलमिन अस्पताल के बाहर।
तो इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।